नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। फरीदाबाद के निकता हत्याकांड जो मामले में कांग्रेस का कनेक्शन सामने आ गया है और कांग्रेस के इस बड़े नेता को धर लिया गया है, जिसके बाद मां बेटे सन्न रह गए हैं। पूरी खबर आपको बताऊं उससे पहले कमेंट में निकता हत्याकांड के आरोपी तौसीफ को क्या सजा मिलनी चाहिए वो हमें आप बताइएगा कमेंट में। साथ ही साथ आपको बता दूं कि निकता हत्याकांड मामला लव जिहाद का सीधा सीधा मामला है और लव जिहाद का एक ऐसा उदाहरण है जो कि यह बताता है कि अगर आपने एक खास मजहब की बातों को सुनने से इनकार कर दिया तो वो आपको गोली मार देंगे, वो आपको जान से मार देंगे। राहुल दिल्ली में एक खास मजहब की लड़की से प्यार कर लेता है तो उसको गोली मार दी जाती है, और तौसीफ जिसको जो कि निकिता को गाड़ी में बिठाने की जिद करता है, अगर वो निकिता गाड़ी में बैठने से मना कर देती है तो निकिता को गोली मार दी जाती है। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं और यही ये चाहते हैं, इनको गोली मारने या मरने मारने के सिवा कुछ नहीं आता। हरियाणा के फरीदाबाद का मामला इस वक्त बेहद ज्यादा तूल पकड़ चुका है, जगह जगह लोग गुस्सा जता रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये मामला क्या था। दरअसल सोमवार को कॉलेज छात्रा निकिता तोमर का मर्डर कर दिया गया जब वो कॉलेज से बाहर निकल रही थी, गाड़ी में बैठाने की जिद करी तौसीफ ने और उसके बाद जब वो गाड़ी में नहीं बैठी तो उसको गोली मार दी जाती है। जो वीडियो आया वो वीडियो देख के पूरा देश सन्न रह गया है। देश में हर जगह गुस्सा है और लोग यही मांग कर रहे हैं कि तौसीफ को इस मामले में फांसी दी जाए। जैसे चौराहे पर उसने गोली मारी है निकिता तोमर को, एक 21 साल की लड़की को, वैसे ही उसे भी चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दी जाए। निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब इस मामले में सीधे सीधे कांग्रेस का कनेक्शन जुड़ता हुआ आ रहा है। आपको बता दूं कि आरोपी तौसीफ के चचेरे भाई आफताब की फोटो सामने आई है और जिसमें वो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ नजर आ रहा है। आप समझ सकते हैं इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कौन सी पार्टी करती है, तभी इनके हौसले इस कदर बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं। तो असीफ गोली नहीं मारता अगर उसका चचेरा भाई कांग्रेस का एक रसूखदार नेता नहीं होता तो। हाथरस रेप केस में प्रदर्शन करने वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सोनिया मैम के बंटी बबली चुप हैं, क्योंकि इस मामले में जो आरोपी है, जो मरने वाली छात्रा है, वो हिंदू है और जो मारने वाला है वो एक खास मजहब से है जो कि वोट बैंक है, तो उसके खिलाफ बोले तो बोले कैसे। हालांकि फोटो सामने आई है लेकिन इस मामले पर चुप्पी साध रखी है कांग्रेस ने। खैर, मृतक लड़की के भाई नवीन तोमर का यह कहना है कि हत्या का आरोपी तौसीफ कांग्रेस विधायक आफताब अहमद का भतीजा है और ये रसूखदार लोग हैं, उनकी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं तक पहुंच है। और निकिता के भाई ने यह कहा कि 2 साल पहले भी उसने मेरी बहन को परेशान करने की कोशिश की, पुलिस में शिकायत भी हुई, लेकिन ये रसूखदार लोग हैं, हम डर गए और पंचायत के सामने हमने समझौता कर लिया। दरअसल 2018 में भी तौसीफ ने निकिता का अपहरण कर लिया था। उसके बाद मामला जब पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस कान पर जू नहीं रेंगती और आरोपी तौसीफ और उसका परिवार लड़की के परिवार के पैरों में गिर जाता है और कह देता है कि हमें माफ कर दीजिए। लेकिन इस कदर सहिष्णु होता है हिंदू कि माफ कर देता है। क्या पता था निकिता को कि माफ करने का उसे 2020 में यह सिला मिलेगा, जिस तौसीफ की गाड़ी में वो बैठने से इनकार कर देगी तो वही तौसीफ उसको दिन दहाड़े गोली मार देगा। लेकिन मामला सिर्फ इतना भर नहीं है, मामला आज इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। फरीदाबाद के बराबर में ही हरियाणा का मेवात है, जिसके बारे में कई बार खबरें आ चुकी हैं कि मेवात अब मिनी पाकिस्तान बन चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हाल ही में हमने देखा कि दिल्ली में राहुल नाम के एक लड़के का मर्डर कर दिया गया, पीट पीट कर मार दिया गया और उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने एक खास मजहब की लड़की से प्रेम करने की गलती की। तो सीधे सीधे यह मतलब है कि अगर तुमने हमारी लड़की की तरफ देखा तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, और तुम्हारी लड़की अगर हमारे साथ नहीं बैठी तो हम उसको भी जान से मार देंगे। क्या है ये, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग नहीं है तो क्या है। और ये लव जिहाद का आप देख रहे हैं कि लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खासकर यूपी में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में मेवात से जुड़ी कई खबरें सामने आ रही हैं, मिनी पाकिस्तान मेवात बन चुका है और फरीदाबाद के इस हत्याकांड ने पूरे देश को इस वक्त चौंका कर रख दिया है, देश भर में उबाल है। दरअसल मंगलवार को इस मामले में लोगों ने जमकर बवाल भी किया था, पुलिस ने मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके साथी रेहान को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है।
आज ही सुबह केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी निकिता के घर वालों से मिले, परिवारजनों से मिले, आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि तौसीफ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। लेकिन होगा क्या, सवाल यह है कि होगा क्या और क्या होना चाहिए? क्या यूं ही एक के बाद एक सरफिरे मजहब के लोग गोलियां मारते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे? ठीक है, पुलिस जांच कर रही है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन लोगों का कहना यह है, सोशल मीडिया पर यह लगातार कहा जा रहा है कि तौसीफ को फांसी दी जाए, तौसीफ को भी चौराहे पर खड़ा करके गोली मारी जाए जैसे उसने निकिता को गोली मारी। और यह निश्चित तौर पर यह मांग इसलिए क्योंकि लोगों में गुस्सा है, मांग इसलिए क्योंकि ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मामला सिर्फ निकिता का नहीं है, निकिता से पहले न जाने इतनी कैसी लड़कियां, अगर आपने शादी कर ली तो आपको सूटकेस में बंद करके मार के दफना दिया जाएगा, और अगर आपने शादी करने से इनकार कर दिया, मजहब बदलने से इनकार कर दिया, तो आपको सरेआम गोली मार दी जाएगी। इनका बचने का सिर्फ एक तरीका है कि लव जिहाद से अपने घर को, घर की जो महिलाएं हैं उनको बचाएं, बहन बेटी उनको यह समझाएं कि लव जिहाद क्या होता है, खुलकर बात करें और उनसे कहें कि खास मजहब से दूर रहो। आरोपियों को रिमांड पर लेकर अब पूछताछ की जा रही है। मृतका के परिजनों ने आरोपी की मां पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप भी लगाए हैं। आप समझ सकते हैं कि तौसीफ की मां निकिता पर यह दबाव बना रही थी कि वो धर्म परिवर्तन कर ले, जबकि लड़की ने शादी नहीं की थी। तौसीफ के नूह के रसोख वाले राजनीतिक परिवार से भी संबंध बताए जा रहे हैं। खबरें ये आ रही हैं कि मुख्य आरोपी तौसीफ के दादा कबीर अहमद विधायक रह चुके हैं, जबकि नूह से मौजूदा कांग्रेस विधायक आफताब अहमद का चचेरा भाई है तौसीफ, और कांग्रेस से ये विधायक हैं। यानी कांग्रेस के विधायक के रसूख के दबाव में, रसूख के चलते तौसीफ गोली मार जाता है। आफताब अहमद पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तौसीफ बसपा की टिकट पर सोना से चुनाव लड़ने वाले जावेद अहमद का भतीजा भी बताया जा रहा है। विधायक चौधरी आफताब अहमद ने यह बताया है कि वो हथियारों के साथ नहीं है, जिन्होंने जुर्म किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और बसपा नेता जावेद अहमद ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और कहा है कि वो पीड़ित लड़की के परिवार के साथ हैं, उन्हें इस बात का पता नहीं कि तौसीफ के पास हथियार कहां से आया। आपको बता दूं कि पुनाना निवासी इस्लामुद्दीन तौसीफ अहमद का सगा मामा है और फिलहाल वो जेल में है। फरीदाबाद पुलिस ने तौसीफ की तलाश में बीती रात इस्लामुद्दीन के घर की तलाशी ली थी, लेकिन वो नहीं मिला और बाद में उसे नूह से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस मामले में लोगों में देश में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों का यही कहना है कि तौसीफ को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन यह मामला जागने से ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक जागेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मित्रों, सहने की एक लिमिट होती है और जिस तरीके से ये लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं, एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, वो ये बताती हैं कि आखिर ये सिर्फ निकिता या तौसीफ का मामला नहीं है, ये एक सोच का मामला है। एक सोच पल रखी है एक खास मजहब में कि आपको धर्म परिवर्तन कराना है, और इसका उपाय तब तक नहीं हो सकता जब तक धर्म परिवर्तन के लिए इस देश में कानून नहीं बनेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।